अस्सलाम वालेकुम एवरीवन आई होप आप लोग सब खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे आज का मेरा रिव्यू है अबाया डॉट पी के से परचेज़ की हुई चादर और ये ब्राउज़ का अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए बहुत सारा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए तो आए चले मैं आपको इसकी डिटेल्स देती हूँ ये एम्ब्रॉड ब्लू पैटल चादर है ये मैंने रुपीस वन थाउजेंड नाइन नाइन्टी नाइन रुपीस की मैंने ये ली है अबाया डॉट पी के से इसका फैब्रिक जो है वो शिफॉन है बहुत ही मतलब लाइट वेट ये फैब्रिक है इजी टू वेयर है इसकी लेंथ जो है वो एटी सिक्स इंचज़ हैं और वाइट जो है वो फिफ्टी सिक्स इंचज़ है और ये आप किसी भी जो है वो तरह के ड्रेसेस के साथ आप इसको वेयर कर सकते हैं और अपने आप को कवर कर सकते हैं बहुत ही ग्रेसफुली बहुत ही ट्रेडिशनल और फैशनेबल ये चादर है मैं आपको इसको ओपन करके दिखाती हूँ ये आप लोग देख सकते हैं इसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ब्लू पैटल से और फ़ोन पैटल से एम्ब्रॉयडरी हुई भी है ये ये जो है वो रेशम की एम्ब्रॉयडरी है बिल्कुल शाइनी शाइनी सी है ये और काफ़ी अच्छी है मैं इतनी अच्छी एम्ब्रॉयडरी जो है वो एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी एक और बात बताऊँ मैं आप लोगों को इनकी डिलीवरी जो है वो बहुत ही फास्ट है बिल्कुल नेक्स्ट डे ही इन्होंने डिलीवर कर दिया था ये पार्सल जैसे कि मतलब और जो दूसरे ब्रांड्स हैं पाकिस्तान में वो कम से कम दो दिन लेते हैं बट इन्होंने जो है वो नेक्स्ट डे ही डिलीवर कर दिया था पार्सल इसकी लेंथ भी काफ़ी जो है वो ज़्यादा है और वाइथ भी काफ़ी ज़्यादा है आप इज़ीली अपने आप को कवर कर सकते हैं इससे आप अपने हेड को भी कवर कर सकते हैं एक चीज़ मुझे थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग लगी है कि मैंने ये सोचा था कि ये जो इनकी जो एम्ब्रॉयडरी है वो फोर साइड्स पर होगी लेकिन इनकी एम्ब्रॉयडरी जो है वो एक ही तरफ है दूसरी तरफ से ये सैंपल है बट इट्स ओके अगर जो है ये चारों साइड्स पर होती तो Uh, काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती लेकिन आई एम सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी आई थिंक अगर ये हेड की तरफ भी होती मतलब फ़ोर साइड्स पर भी अगर एम्ब्रॉयडरी होती तो जो वो काफ़ी हैवी लुक हो जाता और ये कैजुअल वेयर में भी नहीं पहने जा सकती थी नेक्स्ट जो है ये ये है वैक्स फ्लावर पिंक ब्राउज ये मैंने रुपीज़ फ़ोर फिफ्टी का लिया है अब आया डॉट पी के से ही और ये बहुत ही सिंपल मेटल का जो है ये ब्राउज है ये इसमें पिंक कलर के और वाइट कलर के स्टोन्स लगे हुए हैं बहुत ही लाइट वेट है ये मैं क्लोजअप करके दिखाती हूँ डेलिकेट भी है आप ये आप किसी भी जो वो दुपट्टे को अप कर सकते हैं इससे स्कार्फ को पिन अप कर सकते हैं स्टोल को पिन अप कर सकते हैं इवन आप साड़ी के पल्लू को भी इससे पेन अप कर सकते हैं इसको यूजुअली हिजाब पिन भी कहा जाता है